शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट का उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और इस निषेध में जो मैं निषेध कर रहा हूं, इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी, उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उन्हें दलाली ली, जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है जिसकी छानबीन हो रही है, और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा, ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं।